हेलो इवान अगेन वेलकम ऑन के बी एडू मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक। ये त्रिभुज है जिसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, पी दिस इज एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री। केंद्रक क्या होता है इन ट्रायंगल्स की? ये जो साइड है इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट। सपोज करिए ये है डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। इस शीर्ष से इस मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करें तो दिस इज कॉल्ड मीडियन, माध्यिका। एंड इफ यू ज्वाइन दिस टू दिस मिडिल पॉइंट, दिस आल्सो कॉल्ड मीडियन, एंड द थर्ड मीडियन इज दिस। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये माध्यिकाएं तीनों जहां पर काटती है उसको कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। यानी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये है केंद्रक। और इसके निर्देशांक हमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स, तो सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जी ये जो माध्यिकाएं हैं मीडियंस हैं, ये टू इज टू वन के रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो पॉइंट जी है वो रेखाखंड जो मीडियन है एडी को 2:1 में बांटता है। आपने सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र पढ़ा था, तो विभाजन सूत्र के हिसाब से इस जी के निर्देशांक क्या पढ़े थे? M1 X2, this is M1, X2 is X2 plus X3 by 2 plus M2 X1, 1 into X1 upon M1 plus M2, ये हो गया। और सिमिलरली Y में M1 Y2, this is Y2 upon 2 है ये, और plus M2 Y1, 1 into Y1 upon 2 plus 1, this is equal to, ये 2 cancel हो गया, तो ये हो गया X2 plus X3 plus X1 upon 3, comma this is Y2 plus Y3 plus Y1 अपान 3। इसीलिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक लिखते हैं x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। अगर त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये। अब पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सपोज करिए ये ट्रायंगल है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं सी इज एक्स थ्री वाई थ्री। अगर ये है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसके लिए सीधे जो सूत्र है वो लिख रहे हैं और उसका लिखने का मेथड आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखते हैं, जल्दी लर्न हो जाए। X1 लिखिए ब्रैकेट, फिर X2 लिखिए फिर ब्रैकेट, और फिर X3 लिख दीजिए फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और ये क्लोज हो जाए। जहां X1 लिखा है ये X1, उसके नेक्स्ट वाले Y2 माइनस Y3
जहां x2 लिखा है तो नेक्स्ट है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और जहां x3 लिखा है तो नेक्स्ट है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, एक सीधी रेखा में है, जिसको कहते हैं कोलिनियर। इस तरह से क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 3 व माइनस 1 1 संरेख है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो सपोज करिए पॉइंट है ए 1 2 बी इज 3 3 एंड सी इज माइनस 1 1। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ, ये बी ब्रैकेट, इसके बाद लिखिए दिस एक्स वन और दिस ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, थ्री माइनस वन प्लस दिस इज एक्स टू ब्रैकेट में वाई थ्री माइनस दिस वाई वन टू एंड प्लस दिस इज एक्स थ्री सो दिस इज माइनस वन एंड इन ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू और ये ब्रैकेट हाफ दिस इज वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन दिस इज इक्वल टू हाफ टू माइनस थ्री प्लस वन हाफ इंटू दिस इज जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसलिए तीनों बिंदु संरेख है यानी कोलिनियर है।